स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपके पास। लेप्लास इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो क्या है, लेप्लास फर्स्ट इंटीग्रल फॉर पी एन एक्स। पी एन एक्स की वैल्यू हम किसकी टर्म में फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन की टर्म में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोल दोगे आप, लेप्लास फर्स्ट इंटीग्रेशन बोल दोगे फॉर पी एन एक्स। इसी तरह से हम पी एन एक्स की वैल्यू दूसरी फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, उसको क्या बोल दोगे, पी लेप्लास सेकेंड इंटीग्रल फॉर पी एन एक्स, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे इसको, छोटी क्लासेज में आपके पास रिजल्ट होता था कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी फाई अपॉन अल्फा प्लस माइनस बीटा कोस फाई इज इक्वल टू दिस, जहाँ पे अल्फा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती थी, बीटा स्क्वेयर से ग्रेटर होती थी, ठीक है। ये आपके पास जूनियर क्लासेज का इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको फर्दर सोल्व किया। सोल्व करने के लिए अल्फा को तो क्या ले दिया, 1 माइनस टी एक्स, और बीटा को क्या ले दिया, टी इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दो, बीटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास वैल्यू आ गई ये, ठीक है। फिर क्या किया, इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा की वैल्यूज को पुट कर दिया। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो देखो पाई आपका एज इट इज इसकी पावर माइनस 1/2, और आपके पास अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू है ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी फाई इंटू अल्फा प्लस माइनस बीटा कोस फाई, इन सब की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, ठीक है। अब क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करोगे, देखो यहाँ से आपने क्या किया, टी को कॉमन ले दिया। टी को जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस टी, ठीक है, और इनटू में आपके पास ये टर्म बच जाएगी। अब इस टर्म को हमने क्या किया, वाई पुट कर दिया। वाई पुट करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, 1 माइनस टी वाई की पावर माइनस 1 इंटू डी फाई, ठीक है। तो इसका मतलब देखो आपके पास क्या आया, ये क्या होता है आपके पास, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पी एन एक्स, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, समेशन ऑफ टी की पावर एन पी एन एक्स के इक्वल, इसकी वैल्यू क्या कर दी हमने, पुट कर दी। इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, टी की पावर एन पी एन एक्स, और इसको क्या किया, बाइनोमियली एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। फिर दोनों तरफ क्या करोगे, टी की पावर एन के कोफिशियंट को इक्वेट करोगे। यहाँ से टी की पावर एन का कोफिशियंट कितना है, पाई पी एन एक्स, ठीक है, और यहाँ से टी की पावर एन का कोफिशियंट कितना है आपका, वाई की पावर एन, तो वाई की पावर एन इंटू डी फाई। अब वाई को क्या मान के चले थे, वाई तो आपका ये था, वैल्यू पुट कर दी, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। सिमिलरली आपका जो सेकंड टाइप की लैपलास इंटीग्रल है फॉर पी एन एक्स वो है, उसमें जस्ट कितना डिफरेंस है आपका, अल्फा को फर्स्ट केस में तो आपने 1 माइनस टी एक्स पुट किया था, यहाँ पे अल्फा को क्या पुट करोगे, टी एक्स माइनस 1 पुट करोगे, ठीक है, और बीटा को आपने जो पीछे पुट किया था वही, उसी तरह से अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करोगे, इसमें पुट करोगे और इसको सोल्व करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। इसको आप खुद ट्राई करके देखना, ठीक है।